नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रौनक। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज रूम में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से। जानते हैं क्या है पहली खबर। ग्वालियर में कर्मचारी राज्य बीमार निगम के बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा है। छावनी निवासी सपना पाल ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। आरोपी बाबू शुभम गुप्ता मातृत्व अवकाश पर रुके हुए वेतन की 50,000 निकालने के एवज में 5,000 की मांग कर रहा है। इसके बाद लोकायुक्त टीम ग्वालियर ने कार्रवाई करते हुए बाबू शुभम को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त की कार्रवाई आगे भी चल रही है। जानते हैं क्या है अगली खबर। नरसिंहपुर जिले के करेली में गुरुवार की रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना लिंगा बाईपास के पास हुई। यहां एक यात्री बस पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना में भीषण सड़क हादसे में 3 भाई बहनों की मौत हो गई, वहीं एक दोस्त घायल हो गया। उनकी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक कार को 20 से 25 मिनट तक घसीटते हुए ले गया और फिर कार पर ही पलट गया। हादसा गुरुवार सुबह 5:30 बजे हुआ। तीनों भाई बहन की जब एक साथ अर्थी उठी तो देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में 5 शातिर ठगों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक महिला की 5 करोड़ की जमीन विक्रय कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगी की वारदात अंजाम देने के लिए ठगों ने रजिस्टर कार्यालय आए बिना एक फर्जी महिला की मदद से ये जमीन की ठगी की है। घटना सिरोल थाना क्षेत्र के ग्राम सिरोली नैनागिरी की है। घटना का पता चलते ही पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानते हैं क्या है अगली खबर। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 27 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ जगह हल्की बारिश भी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी मौसम बदला रहेगा। ऐसी हवा का रुख बदलने से होगा, इसमें तेज गर्मी भी शुरू होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह से लू चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।